आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है? तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? पहले तो इसको रिज्यूम कर लेते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया, ठीक है? पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे, फिर आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ होल थिंग एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू हो जाएगा, ठीक है? टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, थ्री एक्स का क्या हो जाएगा, थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और एक्स का वन हो जाएगा, मतलब थ्री इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, मतलब टू एक्स टू माइनस वन कितना आएगा, वन आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली टू एक्स लिख रहे हैं, तो ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? ये डाल देते हैं, थ्री इंटू वन क्या हो जाएगा थ्री, तो से दैट इज इक्वेशन नंबर टू। लेकिन आपको सर डबल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस थ्री, क्या हो जाएगा टू एक्स का डेरिवेटिव टू हो जाएगा, क्योंकि टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा और थ्री कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो ये फाइनली टू आएगा और इसे क्या लिख सकते हैं डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या है डबल डेरिवेटिव है, ठीक है? विच इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी।